लेकर आया है आप सब लोगों के लिए व्हाइट मिस्चिफ हॉलीडेज प्रेजेंट्स फुल मस्ती 88.2 डेटिंग ट्रिप ऑफ द वीक। दोस्तों कहते हैं व्हेन लव इज इन द एयर सावधान रहना चाहिए। हो सकता है उस वक्त लड़की का बाप वही प्लेन उड़ा रहा हो और आप सीधे वहीं से ऑफ एयर हो जाए। तो सुनते रहिए और कॉल करते रहिए ओनली ऑन फुल मस्ती 88.2। Hey, and we have a caller. Hello? Hello. Yes, Danny speaking. Who is this? पता है मैं ना फाको फाको बोलता हूँ, तो मेरे को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। तो प्रॉब्लम क्या है? सब लोग फाको फा ही बोलते हैं। नहीं, आप समझे नहीं। ओह, अब मैं भी समझ गया कि तुम साको फा बोलते हो। Right. वैसे आपने अपना शुभ नाम नहीं बताया। मेरा नाम प्रदीप पास्त्री है और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पे गुफा हो गई है। ओके प्रदीप, टेल मी। वो क्या हुआ ना, मेरी गर्लफ्रेंड के पेट को मैंने कुत्ता बोल दिया। वो मेरे से बात नहीं कर रही है, वो गुफा हो गई है। तो आप कुछ ऐसा कीजिए सुदीप, अपनी सैंडी के कुत्ते के लिए पेट के लिए ले जाइए एक हड्डी और सैंडी को बिठाइए ऑन योर गड्डी एंड से फॉरी आई मीन सॉरी योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। मेरा काम हो जाएगा ना? अरे डोंट वरी। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मिल गया हमें आज का टॉपिक, सॉरी बोलो दिल जोड़ो। सॉरी, पता नहीं किसने इन्वेंट किया है वर्ड सॉरी। किसी को कितना भी तकलीफ हो उसका कुछ नहीं, बस सॉरी बोलो और निकल जाओ। स्टुपिड वर्ड, इतना भी बुरा नहीं है, कितना क्यूट वर्ड है सॉरी। अगर किसी लड़के का नाम होता तो मैं तो उसे शादी कर लेती। पिंकी जी, अभी आप शादी के सपने देखना छोड़िए और पहले ये लेटर ठीक करिए। कौन सा लेटर? वही जो कल आपने लिखा था स्पॉन्सर्स के लिए, जिनके सिर्फ 20 गलतियां हैं। बस बस यही हाल रहा तो मिल गए हमें स्पॉन्सर्स और चल गया हमारा रेडियो स्टेशन। आखिर मैं इंसान ही तो हूँ, सॉरी यार। लो, एक सॉरी ने हमारे FM 88.2 का भविष्य तय कर दिया। क्या तय कर दिया? फ्यूचर। फ्यूचर? फ्यूचर इज रोबोट्स मैन, वो गलतियां नहीं करते इसलिए वो सॉरी नहीं कहते। और अगर गलतियों के परसेंटेज से हम ह्यूमन होने का पता चला सकते हैं तो फिर मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा इश्क दूर हो गया, कि पिंकी एक एलियन नहीं है। पर इस वक्त आपके एलियन होने पे हमें पूरा यकीन है। क्यों? आपने कल कंसोल की वायर्स ठीक कर दी थी। ओह मैन, आपको पता है कल डैनी को कितनी दिक्कत हुई कॉल्स अटेंड करने में और कितने गुस्से में किया है कल वो घर। बॉय 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 बॉय, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। सॉरी घूम फिर के फिर से वही आ गया, सॉरी। हाँ मम्मी, पास हो गया। पापा, I have 75%। तो हैट्रिक हो गई, मैं कभी पास होऊंगा कि नहीं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, प्लीज हेल्प मी आउट। डोंट वरी बसंती, तेरा वीरो अभी जिंदा है। जब तक मेरा दिमाग चलेगा तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी बैंड नहीं बजेगी। देख, आई हैव एन आइडिया, सुन। क्या बोल रहा है यार, पंगा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आर यू श्योर? डैम श्योर। तू फोन लगा। हेलो, हेलो डैड, डैड डैड मैं पास हो गया। विक्की, तू सच कह रहा है? अरे अरे निर्मला, अरे विक्की पास हो गया। हाँ इधर आओ। चल यार, टेंशन क्यों लेता है, चल।
सॉरी बोलते रहो और सुनते रहो फुल मस्ती 88.2। सॉरी ढक्कन, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। वो परसों रात को जब लाइट चली गई थी तो वो कंसोल वायर मेरे ही पांव से टूटा था। What? मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे डांट नहीं पड़ जाए। Oh, stop it, पिंकी। तुम्हारी एक गलती की वजह से हमारा रेडियो स्टेशन ऑफ एयर हो सकता था। डोंट एवर टॉक टू मी अगेन, वुड यू प्लीज डू दैट? सॉरी, शट अप, शट अप, शट अप। सक्सेना साहब, अब हमारे जमाने में इतना सिलेबस कहाँ होता था? दो बुक्स लिए कॉलेज गए, पढ़ के आए, पूरा कोर्स खत्म हो गया। और आजकल के बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चल चल, कुछ नहीं होगा। यू जस्ट बी कॉन्फिडेंट। हाँ, बी कॉन्फिडेंट। हाँ सर, चल। विक्की, अरे आजा बेटा, कम 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 कम। विक्की, आई एम प्राउड ऑफ यू सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। जीते रे बेटा। कांग्रेचुलेशंस भैया। अरे बस 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 बस, आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहूंगा। भले ही 3 साल लग गए मेरे बेटे को पास होने में, लेकिन आज वो 12th पास हो ही गया। मुझे गर्व है इसके डिटर्मिनेशन और इसके पेशेंस में। इसकी यही दो क्वालिटीज इसे बहुत आगे तक ले जाएंगी, बहुत आगे तक। बोला ना, सॉरी, प्लीज माफ कर दो। पिंकी, नहीं होगा। पिंकी, व्हाट्स अप पीपल, ये क्या फाइट चल रही है यहाँ पे? ओ मैडम, कल जो वो कंसोल वायर की प्रॉब्लम हुई थी ना, वो पिंकी जी की वजह से हुई थी। उनका पांव लग गया था, लेकिन डर की वजह से ना उन्होंने किसी को बताया नहीं। ओफो, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? कम ऑन ढक्कन, तुम बच्चे नहीं हो। स्टार एक्टिंग लाइक अ ग्रोन अप मैन। बेचारी पिंकी ने तो कम से कम अपनी गलती तो मान ली। मिस राय थिंक्स कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। गलती मान लेना ही ये प्रूव करता है कि उसे खुद कितना हर्ट हुआ। और नहीं तो क्या, हम सब कॉलीग्स हैं आफ्टर ऑल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल। मैडम, आप बोल चुकी हो तो मैं कुछ कहूं? बिल्कुल बोलिए। तो सुबह आपके फ्रेंड का फोन आया था ना, उसने कहा था इंफिनिटी मॉल, तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया सिटी मॉल। क्या? वो हड़बड़ी में था ना, अक्षय जी को कॉफी देनी थी। तो तुम्हारी वजह से मिस राय 1 घंटा धूप में खड़ी थी सिटी मॉल के सामने। I'm sorry मैडम, I'm sorry. Sorry my foot. मिस राय की स्किन जो टैन हुई, उसका क्या? I'm really sorry मैडम, आप ही ने कहा था ना गलती मानने वाले को माफ कर देना चाहिए। तो shut up, वो तो सब कहने की बातें हैं। अब देखती हूँ तुम्हारी 3 दिन की छुट्टी कैसे सैंक्शन होती है। I'm sorry मैडम, I'm sorry। यार ये तो बहुत गलत हुआ है, मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर। छोड़ ना यार, कोई बात नहीं, एक दिन सब सच बता देना। देख अभी तू बोल के तुझे मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल और चाहिए, इनकार थोड़ा ना करेंगे। और फिर इस साल तू पास हो जा, सिंपल। Yeah, it's not that simple, मुझे कुछ आज का टॉपिक है सॉरी बोलो दिल जोड़ो। और अगर किसी को बोलना नहीं आता तो डैनी कूल हाजिर है रे। सुनते रहो फुल मस्ती 88.2। ढक्कन, अब बहुत हो गया, अब तो तुम्हें मुझे माफ करना ही पड़ेगा। गलती सी हो गई है मुझसे, मिस्टेक मेरा ये, सॉरी, प्लीज टेक टेक। व्हाट रबिश, जब तक मिस राय का टैन ठीक नहीं हो जाता, मिस राय आपको माफ करने ही नहीं वाली। पिया,
वो मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग से बात हुई क्या? उप्स, मिस राय भूल गई। क्या? That article is supposed to come on Friday. अब क्या होगा? Miss Rai is sorry, very sorry. What sorry, Pia? You should behave like a professional. This is not done. अब तक तो थी आप हम पे भारी, अब तक तो थी आप हम पे भारी, जब आई आपकी बारी तो कह दिया sorry. Yo people, फिर आ गया आपके दिल का डॉक्टर डैनी कूल. Come on people, sorry बोलो, दिल जोड़ो. आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. Hello, hey डैनी, डैनी कूल. Yes. Hi, विकी here, विकी वर्मा. Yes, Vicks, shoot. Tell me what's your problem. The problem is really, really serious, man. इसका एक ही सलूशन है. गॉड विकी, अरे कम बेटा कम. कम ऑन विकी, जस्ट से इट. Don't be scared, Vicky. Just say it. Vicky, you have to say it. Dad. हाँ बेटा. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, Dad. हाँ, बोलो. क्या बात है? मैं Dad वो. Come on, Vicky. You can do it. हाँ, बोलो. मैंने आपसे झूठ कहा था, Dad. मैं इस साल फिर फेल हो गया हूँ. मगर वो मार्कशीट? वो मार्कशीट नकली थी. विकी, डोंट वरी विकी, फोन अपने डैड को दो. विकी, हेलो हेलो. हेलो हेलो ढक्कन, ये जो कॉल अभी आया था, क्या तुम उसे ट्रेस करके मुझे दे सकते हो? या श्योर. या प्लीज ट्रेस इट एंड कनेक्ट इट. हेलो डैनी, गाइड द नंबर. हेलो हेलो. हाँ विकी, विकी दिस इज डैनी कूल हियर. व्हाई आर यू कॉलिंग मैन? क्या थप्पड़ खिला के तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? विकी जस्ट लिसन टू मी एंड डू एज आई से, ओके? प्लीज प्लीज विकी. कम ऑन यार, इनफ इज इनफ. होल्ड ऑन विकी, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता बचा है. हैव फेथ इन मी माय फ्रेंड. सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो. हेलो मिस्टर वर्मा, मैं डैनी बोल रहा हूँ, फुल मस्ती 88.2 से. सर प्लीज रीड द पेपर. अगर आप अपने बेटे को कम से कम एक अच्छा इंसान बनते देखना चाहते हो तो प्लीज रीड द पेपर. प्लीज डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि एक साल में मैं आपको अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा. अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं.
जानता हूं जो कुछ भी आज हुआ उसने आपको और मॉम को बहुत हर्ट किया है। एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट विक्की। I'm sorry, Dad. I'm really, really sorry, Mom. मिस्टर वर्मा, आपका बेटा बहुत साहसी है। बहुत से लोग हैं जो सच से दूर भागते हैं, डरते हैं। लेकिन आपके बेटे ने सच का सामना किया है। I think you should be proud of him. उसके अंदर सच्चाई है। Please forgive him, sir. Stop it, Danny. I don't think कुछ होने वाला है। लगता है इस घर से जाने ही। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मुझे अपने पैरों पर खड़े होकर नहीं दिखाओगे? Love you, Dad. Love you. I love you too. Hey, hey! Good job, Danny. Good job. Thank you, man. Good. Thank you, guys. Great. लेकिन ये यहाँ पर क्या सीन हो रहा है भाई? What's wrong? चिराग तले अंधेरा। Oh come on guys, अभी सॉरी बोल भी दो। डैनी की इज्जत का सवाल है। पूरा मुंबई सॉरी बोल रहा है और माफी दे रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं? धक्कन। I'm genuinely sorry. That's the spirit. And I'm genuinely not forgiving you, okay? मैडम ये एक शायर की सॉरी है, प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ। मिस राय का टैन है जोशी जी, मिस राय इतनी जल्दी नहीं भूलेगी। अक्षय, मिस राय के टैन को ठीक होने में काफी दिन लगेंगे, पर वो आर्टिकल नेक्स्ट फ्राइडे आ जाएगा ना। प्लीज फॉरगिव मी, मिस राय इज वेरी सॉरी। आई कांट। बहुत हो गया गाइस, अब तो हमें भी यही लगता है कि सॉरी बोलना गलत नहीं बल्कि बहुत साहस का काम है। एग्जैक्टली। सॉरी बोलने का मतलब कि सामने वाले ने अपनी गलती मान ली है और वो ये गलती दोबारा कभी नहीं करेगा, इसलिए हमें उसके इस एफर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसे माफी मिलनी चाहिए। ढक्कन, अब तो राधिका भी मान गई, आप भी मान जाओ ना। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार तुमने अगर मिस्टेक की तो। That's the spirit. मैडम, कुछ मेहरबानी इस तरफ भी। All right, Miss Rai कल anti-tanning facial करा लेगी। अक्षय, मुझे लगता है कि अब तुम भी। No chance. Hey, come on, Akshay. Akshay. अरे यार, Akshay. Hey. Akshay. Hello. Akshay, please मान जाओ ना। अरे मान भी जाओ बॉस। Miss Rai is very sorry, Akshay. Please. Hey, what's that? Guys, I'm sorry. मैं बताना भूल गया था। इस महीने सैलरी का थोड़ा प्रॉब्लम है। शायद नहीं मिलेगी। I'm really sorry. What?